आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ सीएचओ के संवेदनीकरण की कार्यशाला। कहा, स्वास्थ्य विभाग के सभी योजनाओं का लाभ प्रत्येक नागरिक को दिलाने में सीएचओ की है बहुत बड़ी भूमिका। अच्छा कार्य करने वाले सीएचओ होंगे पुरस्कृत, खराब कार्य करने वाले सीएचओ को किया जाएगा दंडित। चौदह मई को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकाधिक वादों के निस्तारण कराए जाने के उद्देश्य से जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोरखपुर तेज प्रताप तिवारी ने प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। किया अपील, कहा, अपने जीवन को आनंद और सुखमय बनाने के लिए अपने मुकदमों को राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह समझौते से कराए निस्तारित। पिपरौली ब्लॉक के ग्राम पंचायत सीयर में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने लगाया चौपाल। कहा, अधिकतर मामले राजस्व विभाग व राशन वितरण से आए संबंधित समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों को दिए गए निर्देश। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अध्यापकों के साथ जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने की बैठक। हर महीने पेरेंट्स मीटिंग के साथ अध्यापकों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के लिए दिए निर्देश। पंचायती राज विभाग द्वारा आयोजित ग्राम प्रधानों के दो दिवसीय कार्यशाला का हुआ समापन। शासन के द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की दी गई जानकारी। महात्मा गांधी पीजी कॉलेज के विद्यार्थियों में निशुल्क स्मार्टफोन टैबलेट वितरण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। 557 फाइनल ईयर के विद्यार्थियों को निशुल्क स्मार्टफोन टैबलेट का किया गया वितरण। विद्यार्थियों ने स्मार्टफोन मिलने पर योगी सरकार के प्रति व्यक्त किया आभार। और उत्तर प्रदेश कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण विभाग के अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने की बैठक। अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश।